दिस इज़ माई लुक। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है डे 3 और हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे पर्पल मार्टिनी। हमने इसका बहुत पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पे और हमें काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे पिक्चर्स अच्छे आएंगे और काफ़ी एस्थेटिक बैकग्राउंड है वहाँ पर, तो वो एक कैफ़े है, तो हम सोचे वहाँ पर जाने के लिए। हाय गर्ल्स, तो पर्पल मार्टिनी है अंजुना बीच के यहाँ पर, तो अभी हम वही जा रहे हैं और हमारे लोकेशन से खाली 15 मिनट के दूरी पर था ये। तो अभी हम पहुँच गए हैं अंजुना बीच के रास्ते के यहाँ पर और हमें पार्किंग यही करना होगा। सो पार्किंग वॉज 100 रुपीज़, तो यहाँ पार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस खाली 2 मिनट का रास्ता है। हमने पर्पल मार्टिनी में कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, बुक कर लिया था अपना स्लॉट कुछ 3:30 बजे का, बट स्टिल हम लेट है तो अभी 4:30 बज रहे हैं। जाकर देखते हैं क्या होगा वहाँ पर। तो अभी हम यहाँ से चलकर जाएंगे और आप सामने व्यू देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू है। और मतलब वो जो समुंदर है कितना अच्छा लग रहा है, इतना ब्लू, बहुत सही व्यू है यहाँ पर। हाय विजय, पवन सिंह। तो ये रास्ते में ऐसे छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ पे कुछ कुछ एंटिक चीज़ें भी मिल रही थी। तो ये पूरा कहाँ कहाँ से निकली हुई चीज़ें, ये कहाँ से निकला है? समुंदर से निकल के लाया है, पीछे से। पीछे से निकला है, बहुत ज़्यादा निकल गया है। ये कुछ अलग अलग स्टाइल के पत्थर हैं यहाँ पर, और आगे ये इस तरह से बीच वेयर है, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं पर्पल मार्टिनी और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। अरे ये क्या है इसको अचानक। मेरे फोन में है ना बुकिंग का वो। सो गाइस, फाइनली हम पर्पल मार्टिनी पहुंच गए हैं और बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है पर अंदर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और चलते हैं, पहले पूछते हैं कैसा क्या है प्रोसेस अंदर जाने के लिए। और इसके बाहर ही कुछ इस तरह से शॉप्स है जहाँ पे प्यारे प्यारे कपड़े हैं, बीच वेयर्स है, आप अच्छे से ले सकते हैं यहाँ से। तो ये है पर्पल मार्टिनी जहाँ पे हम गए थे इंक्वायरी करने, और वहाँ पे 10,000 टेबल था और ये इन्होंने हमें यहाँ भेजा। पर्पल मार्टिनी का ही है बट यहाँ पे कपल एंट्री 5,000 था। सुमी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर पर्पल मार्टिनी? क्यों, क्या हुआ ऐसा? हाँ, हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम अच्छे फ़ोटोज़ खींचेंगे, अच्छे से सज धज के गए थे, एंड देन जाके पता चला कि वहाँ पे एंट्री फीस है एंड वो भी बहुत ज़्यादा महंगा था। एंड हमें कहीं पर भी उसका इन्फॉर्मेशन नहीं था कि उसका भी एंट्री फीस हो सकता है। हाँ, मे बी ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी होता तो वी वर ओके कि ठीक है पे करके हम जा सकते हैं, बट इट्स लाइक 5,000 फॉर कपल एंट्री। कपल एंट्री एंड 10,000 टेबल एंड शीशा वाला तो इज 12,000, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। तो अभी हम कुछ और जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो पर्पल मार्टिनी से पहले ही ना यहाँ पर एक और कैफ़े है, लश बाय दी क्लिफ नाम है। तो चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या है यहाँ पर प्रोसेस। तो यहाँ हमने पता लगाया तो यहाँ पे कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं है, थैंकफुली। अब हम यहाँ बैठ के वही सेम बीच व्यू, सी व्यू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है, और ये सनसेट का टाइम है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद वहाँ जाएंगे, तो आप ये प्यारा व्यू देख सकते हो। तो हमने ये कॉकटेल्स ऑर्डर किए थे जो ठीक ठाक था, और ये मैंने मसाला गुआवा ऑर्डर किया था, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया, बट ठीक है बाकी सब टेस्टी थे। और इसके अलावा हमने चीज़ी फ्राइज़ ऑर्डर किए थे जो कि बहुत यम्मी था, एंड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बट उसका फ़िलहाल वीडियो नहीं है मेरे पास क्योंकि हम चले गए थे फ़ोटोशूट करवाने और फिर प्लेट में कुछ बचा ही नहीं, एक स्लाइस बचा था तो फिर मैंने कुछ वीडियो निकाला नहीं उसका। तो अब हम आए हैं यहाँ पर थोड़ा पानी के पास आए हैं, तो जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि हम यहाँ जाने वाले हैं, तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। तो ये अंजुना बीच नहीं है, बीच इसका थोड़े आगे है। तो ये एक ऐसी पॉइंट है नॉर्मल, आप नीचे जा सकते हो, फोटोशूट कर सकते हो या बैठ सकते हो, सनसेट इन्जॉय कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से व्यू है शाम को, सूरज ढल चुका है एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो गाइज, आई एंड माई ब्लॉग हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।